गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन और पुलिस महकमे से जुड़ी हुई पहुंची। मुख्यमंत्री ने डीएम विजय किरण आनंद से मामले की जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री से अपनी समस्याएं बताने के लिए रविवार की सुबह करीब 500 फरियादी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे, मगर व्यस्तता अधिक होने की वजह से वह 150 फरियादियों से ही मिल सके। बाकी लोगों की समस्याओं को कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीएम विजय किरण आनंद और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय प्रभारी मोतीलाल सिंह ने सुना। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह सुबह पूजन अर्चन किया। उन्होंने सबसे पहले नाथ पंथ के आदि गुरु गोरक्षनाथ के दरबार में माथा टेका और फिर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर का भ्रमण करने के दौरान मुख्यमंत्री हमेशा की तरह गौशाला गए और करीब आधा घंटा गायों के बीच गुजारा। इस दौरान सीएम ने गायों को चना और गुड़ खिलाया, साथ ही अपने स्वान कालू और गुल्लू को भी दुलारा। हम देश का साला कहीं आप दूसरी से छुपा नहीं।